हाई फ्रेंड्स वेलकम टू मनवासन चैनल इनकी नम्बर चैनल पाकपड़ रेसिपी और डिफ्रंटान रेसिपी चिकन वे नम्बर कुयपर अदीना स्टल से इत वह पाती सद चपाती ना सूपरान और सैडिश् पसंग वो इतमारी चटीना स्टल से वीटल यारमें मिच वेटा अंदर ना सभी से पाकलें गैस आन पड़े मण चटी वजें वानलकूँ से कुछ और टेबल स्पून एण विटे और टी स्पून जीरक और टी स्पून सोब और टी स्पून मिगु और नालू मिग वतल और टेबल स्पून अल्वक धनिया अदकूड रे पट और लवंग और ब्रिंजी इले मूणु ऐलका कलपासी से ना वदकेंगे अरे मूड़ तेगा अरगि सेतकें एला से नईटा वद करवा सेतकें अड़प वो मीडियम फ्लेम वी वरते ती आरम पोटा नहीं मीडियम फ्लेम वी ना पुन वरते ना कलर मारी नम्बर एण वो मेल पों वो अंतम नाम मसाल एला कलर पर ना पुनमें एटाचे सटी और मूणु टेबल स्पून अल्प एण विटें एण का और अर टी स्पून सोब सेतकें सोब ना वेकटे पट ग्रांपु ब्रिंजी इले एल सेतें रे रे सेतकें कूड़े 100 ग्राम चाय नर की वचर चाय से ना वद नानवेजन चाय से ना ऋषिया सलें सापड़े और रे पच मिग नीलवा कीची पटर एला से ना वदर टेबल स्पून अल्प इंजी पू पेस्ट सेतकल इंजी पू पेस्ट सेतक ना अच्छे पचवास पड़े अल्प वदकें मण सटी से नानवेजी एल सूपर मीन कुम सी मटन चिकन एजा मण सटे से सूपर इतना रे तक ना चिना चिना नरक सेतक तक से ना किरी वि मण सटी पाती रोम वे क्या वांग वल नंब वी आल्दें और अबा सटी अलग वांग सवया से सापड़ा मण सटी अवलो हेल्थकूट देव उप सेकल और टी स्पून मंज तूल और टी स्पून कार मिगू पटकें मे एला से सर कल की विटर नम्बर मसाल एल कार वदक नंब वो ना कमिया सेतरक उवन धनिया तूल सेतकें देव कमे वरत वो देव क मसाला उड़े पच वसन पड़े अल्प वद रे निम्स वदकें चिकने सेतकल ना और अर को चिकन एदक विंगय तक चिकन वदंग टाइम कुछ कुछ ना सवें चिकन पाती ना परेसा दा कट पड़ी नान चिकन से मसाला कूड़े ना परटी विर रे निषम अदक वि चिकन से अब वदंगटें नम्बर अद्क मसा रेडी पड़ी के ना आरी आरन ना अरे मिक्सि जार ना अरेला चटीनाड़न उ मसाल अब फ्रेशा अरेचीपा चटीना अब तक नहीं नार्मल कुमें पारें इतमी अरे सेको ना सूपर इंबा मिक्सि जार सेताची अदकूँ कुछ तनी सेकल ना पेस्ट ना अरे वरण अरे पेस्ट इेतकल
அரைச்ச பேஸ்ட் சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் நல்லா மசாலா கூட நல்லா கலக்கற அளவுக்கு நல்லா கிளறி விடுங்க. மசாலா உடைய கலர் பாருங்க நல்லா சூப்பரா இருக்குது. ஒரு 2 நிமிஷம் வதக்கி விடுங்க. கலர் நல்லா மாறனதுக்கு அப்புறம் நல்லா வதங்கி எடுத்து பாருங்க. இப்ப நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். நான் ஒரு 1/2 கிலோ கறிக்கு ஒரு 180 ml தண்ணி சேக்கறேங்க. ஏன்னா சிக்கன் தண்ணி விடுன்றதனால நம்ம தண்ணி அதிகமா சேக்க தேவையில்ல. ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டுங்க. பாருங்க 5 நிமிஷம் கழிச்சு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இந்த அளவுக்கு இருந்தா போதுங்க. உங்களுக்கு தண்ணியே வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் கூடுதலா தண்ணி சேர்த்துங்க. எனக்கு இந்த அளவுக்கு போதும். இப்போ மேலே கொத்தமல்லி தழை போட்டுக்கறேங்க. கூடவே கருவேப்பிலையும் நான் கிள்ளி போட்டுக்கிறேன். கருவேப்பிலை எப்பவுமே கிள்ளி சேருங்க. அப்போ தான் அதனுடைய வாசனை நல்லா இருக்கும். அவ்வளோதாங்க, ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம செட்டிநாடு சிக்கன் குழம்பு. இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்ததுன்னா மண்வாசன் சேனலில் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.